आपका जो नाच नाच करके हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का जो तरीका है, जी, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताए, चूंकि आपके नाच नाच करके और गाना गा गा करके हिंदी गानों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का आपका तरीका भी काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो हम चाहेंगे कि इसके बारे में बताएं। जी, ऐसा इसलिए करता हूं कि ये बच्चे जो है आसानी से याद करते हैं और इसको थ्रू इंग्लिश सीख जाते हैं। हमने बचपन में क्या पढ़ा, दिस इज ए रैट, दिस इज ए कैट, इससे इंग्लिश थोड़े आ जाएगी। इसमें रस है, इससे आप भी थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगेगा जो हम गाने गाते हैं कि उसको इंग्लिश में कैसे बोला जाए। और उसके लिए कोई किताब किसी किताब में रहता ही नहीं, हम लोग को बचपन में रहता था, अरे इसको थोड़ा इंग्लिश में बोलते, इस गाना को तरस जाते थे, मिलता नहीं था, तो बहुत मतलब मेहनत करके इस तरह की चीज़ों को मैंने निकाला और लाया, और मुझे भी अच्छा लगता है। और बहुत सारे लोग बहुत ऐसे जो बिजनेसमैन है फ़ोन करते हैं कि सर इंग्लिश क्यों नहीं आप पढ़ा रहे, अब क्यों छोड़ दिया। हमने कहा कि चलो पहले अभी जीके जीएस कर लेते हैं, तो अभी तो मैं बहुत दिनों से इस पर छोड़ भी दिया हूँ, फिर भी आपने कहा तो मैं चलिए बता देता हूँ। ये अजय देवगन की मूवी का फूल और कांटे का खूबसूरत सा गाना आप लोग सुने होंगे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, जान से तू है प्यारा, आँखों का तू है तारा, यू आर मोर प्रीशियस टू मी देन माई लाइफ, और आँखों का तू है तारा, यू आर ए स्टार इन माई आईज, तेरा चांद सा मुखड़ा, तू जिगर का है टुकड़ा। इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, तेरा चंद सा मुखड़ा, योर फेस इज लाइक द मून, तू जिगर का है टुकड़ा, यू आर ए पीस ऑफ माई हार्ट, यानी कि तुम जिगर का हो टुकड़ा। जी जी, ये आप हिंदी गाना को ही इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए। जी जी जी, यही है जी। तो ये तो आपके पढ़ाने का जो अंदाज है काफी सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं, और बहुत सारे मिलियन मिलियन में चले हो। जी, मिलियन में आपका वीडियो ये चला भी। जी, तो ये आप जीके जीएस को ट्रिकली आप गाना गा करके करके पढ़ा, जैसा उसका कहीं डायलॉग हो तो डायलॉग से, कहीं गाना गाने का थ्रू हो तो गाना से, मतलब जिस तरह से याद हो वो पूरा अब हो रहा है। क्या इससे आपके जो स्टूडेंट लोग हैं आपके पढ़ाए हुए चीज़ों को समझ पाते हैं? अब क्यों नहीं, अगर कोई समझ नहीं पाता तो कोई तो फॉलो नहीं करता, सब्सक्राइब नहीं करता, और तो मैं अपना मेरा अपना कोर्स भी लॉन्च कर दिया हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट मेरा कोर्स भी खरीदते हैं और पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। तो चलिए, ये थे संत कुमार जी, और आपको बता दें पेशे से एक शिक्षक हैं, और इनके पढ़ाने का अंदाज गजब ही निराला है, क्या सर? अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरा निराला है क्या है, आप लोग बता सकते हैं, लेकिन सब लोग ये कहता है कि इनका स्टाइल अलग है दूसरे से। हाँ, मतलब इस तरह का किसी ने नहीं पढ़ाया, और कूद कूद करके पढ़ाते हैं। तो जो कहिए, कूद कूद के, गा गा कर, नाच नाच कर, जो कहिए सब करके पढ़ाता हूँ। नाच नाच करके भी पढ़ा देते हैं। क्यों नहीं, आप जब जाके वीडियो देखिए, आप लोग बहुत सारा वीडियोज पड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपके चैनल का, हम दर्शकों से चाहेंगे कि आप अपने चैनल का SCTI मस्ती, यूट्यूब SCTI मस्ती, SCTI मस्ती, यानी संत कॉम्पिटेटिव ट्रिकिंग इंस्टीट्यूट, और मस्ती का मतलब नाम समझते ही आप लोग, यानी कि मस्ती कीजिए, संत कॉम्पिटेटिव ट्रिकिंग इंस्टीट्यूट, पढ़िए भी और मस्ती भी कीजिए। जी जी जी, तो चलिए, ये सर का यूट्यूब चैनल है SCTI मस्ती, सर के चैनल को फॉलो कीजिए, फेसबुक पर हैं तो, और यूट्यूब पर हैं तो इनके चैनल को, सब जगह SCTI मस्ती, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सब जगह यही नाम, यानी कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं। जी, तो आप लोग जाइए इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इनको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इनके वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, प्यार लीजिए, और साथ साथ प्यार के साथ साथ, मजा के साथ साथ, बहुत बड़ी जानकारी भी, नॉलेज भी प्राप्त कीजिए, क्या सर? बिहार प्रांत के पश्चिमी चंपारण जिले के सिकटा प्रखंड क्षेत्र के दुखी छापर पंचायत, सरगटिया पंचायत के डकही गांव, सरगटिया पंचायत के डकही गांव से हम दिखा रहे थे। और संत जी ये सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव भी रहते हैं, इनका वीडियो हमेशा वायरल भी रहता है, आप लोग कभी भी इनसे चाहते हैं मिलने के लिए तो मिल सकते हैं, और इनसे अगर ज्ञान भी प्राप्त करना हो या किसी भी कोर्स को लेना है
या ऑनलाइन ख़रीदना हो तो आप इनसे संपर्क करके इनका जो कोर्स है आप ले भी सकते हैं। फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ कैमरामैन अमित के साथ कुमार राकेश, KR मीडिया, बेतिया। तो नमस्कार सभी।